प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद में यहां पर हरियाणा के अंदर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि आजाद समाज पार्टी के चीफ और असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव के अंदर यहां पर गठबंधन करेंगे। दोनों नेताओं के बीच में पूरी तरीके से फाइनल बातचीत हो चुकी है और फाइनल बातचीत के बाद इसका औपचारिक ऐलान कभी भी किसी भी वक्त वो किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव यूपी के अंदर और लोकसभा चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यूपी के अंदर मुस्लिम समाज के वोट अपनी फेवर में करने और दलित समाज को अपने फेवर में करने के चलते यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, वो हाथ मिलाने की जुगत में जुटे हुए। असदुद्दीन ओवैसी को साथ लाकर चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज के वोट को एक तरफा अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगना तय। अखिलेश यादव से चुन चुनकर बदला लेने की कोशिश में यहां पर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जुटे हुए। चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा के चुनाव के अंदर अखिलेश यादव ने साथ नहीं लिया था, फिर भी वो रगीना से चुनाव जीत गए थे। अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर मुस्लिम समाज को अपने फेवर में करने में जुटे हुए। कल मुंबई के अंदर भी मुस्लिम समाज के बीच बड़ा आंदोलन एक तरीके से कार्यक्रम में वो शिरकत किया, मुस्लिम समाज के साथ खड़े नजर आए। और अब आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले। अगर इन सीटों में आजाद समाज पार्टी 3 से 4 या 2-3 सीटें भी या 1 सीट भी अगर विधायक जीताकर पहुंचती है तो भी उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि उनकी पार्टी का विधानसभा में खाता खुल जाएगा। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी साथ आने की लगभग बात फाइनल हो चुकी है, कभी भी औपचारिक रूप से इसका ऐलान हो सकता है।